बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इश्यूज जो है हर जगह पे होते हैं, और अगर ये कहा जाए कि इश्यूज नहीं होते तो ऐसा कहना गलत होगा। इश्यूज हर जगह पे होते हैं और इश्यूज को हैंडल करना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। अब मैं इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे शो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कि मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं आपसे बाद में जिक्र करता हूं, लेकिन कुछ तरीकाकार होता है, एसओपीज होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है और उसके तहत कोई डीजी आईएसआई बनता है। अच्छा, मैं इसलिए टॉपिक पे इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा, फोकस नहीं करूंगा, जीरो इन नहीं करूंगा, बट देन अगेन मैं इसको जरा दोबारा रिपीट कर दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ तरीकाकार जो है उसको डिस्कस करना चाहूंगा और सिर्फ मैं तरीकाकार तक ही रहूंगा। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है कि कौन डीजीआईएसआई बनता है या नहीं बनता। मुझे ये चीज जरूर पता है कि जो भी डीजीआईएसआई बनता है फौज का एक तरीकाकार है और उसको उन अशखास को जो दो तीन नाम जाते हैं उस शख्स को या उन अशखास को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया जाता है, उनको ग्रूम किया जाता है। और जब वो ग्रूमिंग उनकी हो जाती है, जब समझा जाता है, फौज समझती है, फौज का इदारा समझता है कि जनाब ये शख्स ये अशखास जो है ये इस ऑफिस के लिए यानी कि डीजीआईएसआई के लिए के ऑफिस के लिए दे आर फिट फॉर दिस ऑफिस, तो उनके नाम जाते हैं। आउट ऑफ द ब्लू कोई नाम नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बार बार कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि फौज ही एक ऐसा इदारा है जो अभी तक इंटैक्ट है और वो उसको इंटैक्ट रहना चाहिए। और वो खटकता भी है, हॉस्टाइल जो कंट्रीज हैं उनकी आंखों में खटकता भी है फौज का इदारा। बट देन अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप फौज को क्रिटिसाइज ना करें, जरूर करें क्रिटिसाइज अगर आपने फौज को क्रिटिसाइज करना है, लेकिन पक्के पैरों पर करें, इस तरीके से फौज को क्रिटिसाइज करें कि वो उसकी इस्लाह जो है वो नजर आए या वो उसमें इस्लाह कर सके। सो ये नहीं कि आप जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट फौज को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, इससे किसी का कोई हमारा फायदा कम से कम नहीं होगा। बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, जो इसी ताक में बैठे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस इदारे को डिफेम करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं, उनके अजाइम जरूर पूरे हो जाएंगे, बाकी और किसी को कोई फायदा नहीं होगा। सो मेरे साथ मौजूद है जनाब जनरल इजाज़ दीवान साहब, मेरे बड़े काबिल एहतराम दोस्त सईद काजी साहब, अनदर वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ये दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जनरल साहब, आई विल नॉट डिस्कस एज आई सेड कि कौन बनेगा डीजीआईएसआई, कौन नहीं बनेगा, आई हैव नो कंसर्न। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप इस इदारे में रहे हैं, आप फौज में भी रहे हैं, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि तरीकाकार क्या होता है। बिफोर यू आंसर समथिंग, मुझे एक किसी शख्स ने बताया था जो कि बहुत करीबी थे जनरल जहीरुल इस्लाम साहब के, जो डीजीआईएसआई रहे हैं, बकौल उनके, अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, मैं इसके डिस्कशन में नहीं जाना चाहता कि कौन बनेगा डीजीआईएसआई कौन नहीं बनेगा, मैं सिर्फ तरीकाकार पूछना चाहता हूँ। तरीकाकार मुझे बता दिए क्या तरीका होता है। थैंक यू वेरी मच। देखिए मुबशर भाई, तरीका बड़ा सिंपल है और आज ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ। देर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट। पहली बात ये है कि ये प्रोगेटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है कि वो डीजीआईएसआई को नामजद करें उस लिस्ट में से या उस प्रपोजल में से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके सामने रखते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो 30-32 इयर्स से इन ऑफिसर्स को देख रहे होते हैं, उन्होंने इकट्ठे सर्व किया हुआ होता है, उनका पूरा मिलिट्री सर्विस का पूरा पैटर्न, उनकी ग्रूमिंग, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनका एक्सपीरियंस इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्बैट पीस ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग सामने रखते हुए, ही इज द बेस्ट जज टू पिक अप 2-3 पीपल एंड ही कैन प्रपोज देयर नेम। अब लीगल जो मोडेलिटी है या जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक वो तीन नाम पहले जबानी भी ले जाते रहे हैं, बाई हैंड भी लेके जाते रहे हैं और डिस्कशन करके प्राइम मिनिस्टर के साथ, और आके वापस उसका एक
प्रेस रिलीज आ जाता था या एक पोस्टिंग ऑर्डर निकल जाता था जिसके लिए फॉर्मल समरी का मूव करना जरूरी भी नहीं समझा जाता था, लेकिन उसको पेपर वर्क के लिए समरी बाद में मूव हो जाती थी और उस पर साइन हो जाते हैं। तो ये जमानी डिस्कशन हो, फर्द वाहिद की डिस्कशन हो, या तीन ऑप्शन दी जाए प्राइम मिनिस्टर को, दिस इज डन विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन अ वेरी कॉर्डियल एनवायरमेंट, और इसमें कोई इख्तलाफ होता नहीं है क्योंकि किसी का कोई पर्सनल इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। एक अदारा है जिसको बहुत एक्सपीरियंस ऑफिसर ने हैंडल करना होता है, जिसके इंटरनेशनल इंटरेक्शन भी होता है, रीजनल भी होता है, डोमेस्टिक भी होता है, और विद इन द ट्राई सर्विसेज द थ्री सर्विसेज के साथ भी चीफ डील करते हैं। तो इन तमाम इश्यूज को सामने रखते हुए वेरी सेंसिटिव पोस्टिंग, इट शुड बी रिजॉल्व विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, और यही एक इसका वाहिद तरीका रहा है प्रीवियसली, और दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक है, मैं तरीकाकार ही समझना चाह रहा था, मेरे व्यूअर्स को भी चाहता था कि उनको भी तरीकाकार समझ आ जाए। सिर्फ मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे मैंने पहले कहा कि कौन बनेगा DGISI, कौन नहीं बनेगा, इदारा बेहतर समझता है, फौज बेहतर समझती है कि इस ऑफिस के लिए कौन कौन से दो तीन अशख़ास ठीक है या कौन शख्स ठीक है वो बेहतर समझते हैं, या क्योंकि उनकी ग्रूमिंग इस तरीके से हुई होती है। टाई साहब, ओवर टू यू। मैं जरा थोड़ा सा एक सवाल करना चाहूंगा मुख्तलिफ आपसे। मेरा पूछना यह है कि इस सारी सिचुएशन में हमने जो देखा पिछले थोड़े दिनों में, बड़ा क्राइसिस आया रहा और बड़ी एक अनसर्टेनिटी सी यहाँ पे डेवलप होती रही, ठीक है वो एक अपना प्रोसेस होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त मतलब कि ये जो सब लोग ऑपोजिशन के जो लोग थे या ऑपोजिशन करने वाले जो लोग थे या ऑपोजिशन की पार्टीज जो थी, उन्होंने पिछले 3 साल में काफी कुछ करने की कोशिश की, लेकिन इस पॉइंट पे सारे इकट्ठे हो गए। रीजन तो ऑब्वियस है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को लेट डाउन किया जाए, लेकिन द पॉइंट इज के इस किस्म के क्राइसिस तो होते रहते हैं, वो किसी भी हुकूमत में हुए हैं, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी एक क्राइसिस हो गया था और वो उस पर अपॉलोजी टेंडर करने के लिए कहा गया था DGISPR को प्रॉब्ली, और एक ट्वीट हुई थी उसके मसले में। सो इस क्राइसिस को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप करने की जरूरत होती है या नहीं होती, क्योंकि या इसको छोड़ देना चाहिए इस सारी डिस्कशन को? देखिए राणा साहब, अभी आपके सवाल में ही जवाब मुजमिर था। एक तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ पर एक इदारा को छोड़ के बाकी इदारे फॉर वट एवर रीजन डिसफंक्शनल हो चुके हैं, और जो एक इदारा फंक्शनल है उसी की तरफ सबको देखना पड़ता है और देखते भी हैं, और वो हमें रेस्क्यू भी करता है मुख्तलिफ सिचुएशन में आकर। इससे हमें अंदाजा होता है कि ये जो बुर्जुआ स्टेट है या जो सरमायदाराना रियासत है, ये एक खौफनाक बुरान में, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, वहां अमेरिका में ट्रंप भी हुआ था और अभी फिर होना है। तो इसलिए एक तो ये, और इसमें जो अब बेशक आप शिफ्टिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटी करें ब्लेम के, इसका तो कोई फायदा नहीं है। हम तो बात करते हैं कि जमीन पर क्या है। जमीन पर ये है कि ये तीसरा दौर है इस वक्त डेमोक्रेसी का, और किसी हद तक एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जी चले आप ये इसको इदारों को बिल्ड करें, तो क्या हमने बिल्ड कर लिया? और मैं अब आपको खबर भी दूं, मैं बड़े जिम्मेदार जो हमारे हल्के हैं वो सीरियसली सोच रहे हैं कि ये जो सिस्टेमिक फेलियर हमारा बिलखसूस मईशत के महाज पर, और वो रबते भी कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के जो बड़े अलीट इकोनॉमिस्ट हैं उनके साथ एक डिस्कशन यहाँ पे जारी है, जिसकी वजह से कभी इधर से खबर निकलती है कि फलां सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाइनीज मॉडल की आप बात कर रहे हैं। अब बात ये है कि ये जो एलीट यहाँ पर ज़राए पैदावार पर काबज है 80% मईशत पर ऑलमोस्ट, अब एक बजाय सी बात है कि ये मिसमैनेज हो रहा है, डॉलर को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। ये कल मैं नहीं कह रहा, जो डॉक्टर इशफाक हसन मेरे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा था एक बच्चा जो आपने लगा रखा है वहां पे अपना स्टेट बैंक में, और डी पैक करें डॉलर को, इस रॉट को रोकें, फिर ये हमें 5-6-7 बिलियन डॉलर हम खामोशी से कोई बड़ा
इन मार्क्सिस्ट इनकलाब लाए बगैर बचा सकते हैं, और हद ये है कि 300-400 मिलियन डॉलर के लिए धक्के खा रहे होते हैं IMF के कॉरिडोर्स में हमारे सो कॉल्ड लीडर जो है। तो यहाँ पर एक अब ये सोच पैदा हो गई है, और खास तौर पे जब से चाइनीज मॉडल ने ऑलमोस्ट जो डिफीट की है एक और या उसका एक सामने मंजर पे आया है, और अमेरिकी क्राइसिस हम देख रहे हैं, तो यहाँ भी ये सोच हो रही है आपके जो थिंकिंग और जो सीरियस सेक्शन ऑफ द स्टेट है, दे आर वेरी सीरियसली थिंकिंग अबाउट कि यार इसको कैसे करना है। और मैं जाती तौर पर एक स्टूडेंट ऑफ यू नो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में ये समझता हूँ ये अनडूएबल नहीं है, मगर ये करने नहीं देते। मिसाल के तौर पर अब ये बात राशिफ, और मैं भी ये भी आपको खबर दे दूं कि इवन हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लोग IMF से के प्रोग्राम से निकलने की बातें कर रहे हैं, और कैसे निकला जाए। मेरी बात हुई 2.4 बिलियन डॉलर के, यार हम ये आईफोन और दूसरे फोन जो है वो करते फिरते हैं, और एक यानी 3 सालों के लिए 6 बिलियन डॉलर की जो भीख मांग रहे होते हैं, तो ये ढाई गैर जिम्मेदार एक रूलिंग एलीट है जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, जो कल का नहीं सोचते, इधर से वीजे लगते हैं उधर चले जाते हैं, उधर से उधर ही रहते हैं, और ये आके यहाँ की विक्ट्री साइन बनाते हैं, अपने इदारों को गालियां देते हैं, जिन इदारों के जराइम की वजह से ये इक्तदार में आए हैं उनको ये गालियां दे रहे होते हैं सवेरे खड़े होके। तो बात ये है कि मैं इस वक्त एक सीरियस सोच शुरू हो चुकी है यहाँ पे। खान साहब, मैंने 2013 में कहा था कि खान साहब विल बी द लास्ट अटेम्प्ट ऑन योर राइट विंग रिफॉर्मिज्म, दाएं बाजू की इस्लाह पसंदी के टुकड़े अब आपके सामने पड़े हैं, तो और बाएं बाजू की इस्लाह पसंदी के टुकड़े भुट्टो के जमाने के आपके पीछे पड़े हैं। तो आप लोग सीरियस लोग हैं, कोई ठीक करना चाहता है? आप मुझे बताएं, आपका जो इम्पोर्ट बिल है इसमें जरूरत है हमें जो है वो 2700-2800 जो सीसी की गाड़ी मंगवाने की जरूरत है हमें? यहाँ हमने ये जो बना दिया लाहौर में 350 बिलियन की आपने ये खड़ी कर दी, इसकी बसें आपने खरीदी होती, हमारा इम्पोर्ट बिल कहाँ खड़ा होता? एक दहले की करप्शन नहीं की, एक दहले की करप्शन नहीं की। ये गवर्नमेंट जो आई है ये इसके पास अपना वजीर खजाना ही कोई नहीं था, वो मुलाजम साहब का मुलाजम जो उनका नौकर है, जो हफीज शेख है उनका नौकर और उनका मुलाजम है, उसको ले आए, ये मिस्र में से पकड़ के ले आए उसको, ये कल का जो जैसे मैंने इशफाक हसन साहब कहते कल के बच्चे को पटा दिया, डॉलर हमारा नीचे जा रहा है, डी पैक हो रहा है, जो डी पैक करो उसको। मेरा मतलब है कि आउट ऑफ दी बॉक्स तुम नहीं करोगे, और ये रॉट अगर नहीं रुकती और 200-250 पे तुम पेट्रोल ले जाते हो तो क्या आपको पता है लोग क्या हासिल करेंगे हमारा? सो ये सोच अब पैदा हो रही है, और अच्छी बात है ये सोच पैदा हो रही है, और अच्छी बात यह है कि मुख्तलिफ तबकात में ये सोच पैदा हो रही है कि जनाब हमें ये एलिटिज्म छोड़ना पड़ेगा, हमें सीरियस चेंजेस करनी पड़ेंगी। अब शौकत तरीन क्या करेगा? वो तो उस तबके का मेंबर है, वो अपने तबके के मफादात को करेगा, ये है। मगर अब बात ये है, ये एक वोट है, अब अगर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड खाकम बदहन या कुछ होगा तो आपका क्या ख्याल है ये एलिटिस्ट हाउसिंग सोसाइटियां महफूज रहेंगी जो अंदर रहते हो और बाहर को अल्लाह के हर चीज को छोड़ दिया आपने? डोंट यू थिंक के सीरियस चेंजेस लाने की जरूरत है? इट्स हाई टाइम, और अब मेरे ख्याल में अगर चेंजेस ना लाए गए सीरियस और इकोनॉमी को बेहतर ना किया गया, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइस हाइक प्रिसाइसली, तो ना बेहतर किया गया तो आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए बहुत 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 टफ हो जाएगा हुकूमत के लिए। मैं इकोनॉमी का तो मुझे इतना पता नहीं है, मैं यहाँ पे कोई अपना फलसफा नहीं जानने की कोशिश करूंगा। जो कई साहब ने जो बात है कि इकोनॉमी के मुतल्लिक वो अच्छी है, ठीक है, दिल को लगती है, बट देन अगेन डोंट यू थिंक के सीरियस चेंजेस लाने की जरूरत है? इट्स हाई टाइम, और अब मेरे ख्याल में अगर चेंजेस ना लाए गई सीरियस और इकोनॉमी को बेहतर ना किया गया, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइस हाइक प्रिसाइसली, तो ना बेहतर किया गया तो आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए बहुत 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 टफ हो जाएगा हुकूमत के लिए। देखिए मुबशर साहब, बात यह है मुझे आने वाले न इलेक्शन की फिक्र है, न पॉलिटिकल लोगों का रिजल्ट क्या निकलता है उसकी बात नहीं है, बात है पाकिस्तान की और 22 करोड़ आवाम की, क्या वो इतना बोझ उठाने के मुतहमल हो सकते हैं? अगर हमने 22 करोड़ आवाम को रोजगार न दिए, उनको उनके इतने वसाइल न हुए कि दे कैन मेक बोथ द एंड्स मीट, वो अपने बच्चों को अगर फीड ना कर सके तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। और हुकूमत का बुनियादी जिम्मेदारी होती है जुडिशियस कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ रेवेन्यू, अगर वो इसमें मुसलसल नाकाम हो रही हैं, और तमाम पार्टी बशमूल
टू अ ग्रेट एक्सटेंट मिलिट्री रिजीम्स एज वेल, अगर उन लोगों ने ये अपना वतीरा बना लिया है कि उधार लें और मुल्क चलाएं और कर्ज $30 बिलियन से $105 बिलियन पे पहुंचा दिया है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी तो इन्हीं पार्टियों ने करनी है, क्या ये अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगी? अब क्राइसिस ये हो रहा है कि फैमिलीज के होल्ड हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, मफाद परस्त इलेक्टेबल इनके साथ ही खड़े हैं क्योंकि इन पार्टी से बाहर उनके पास कोई जगह नहीं है, और अगर इन्हीं लोगों ने इसी तरीके से मुईशत चलानी है, मैं दो चीजें आपके सामने रखता हूं, मुझे नहीं पता करप्शन हुई है या नहीं हुई, आई हैव नो प्रूफ एंड आई डोंट ब्लेम एनीवन, लेकिन ये देखें कि रावलपिंडी मेट्रो 50 लाख रुपए पर डे नुकसान कर रही है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी किसने बनाई थी? उस फिजिबिलिटी स्टडी पे बेस करके आपने चाइना से कर्ज लिया और एक मेट्रो बना दी जो 50 लाख रुपए का रोजाना नुकसान कर रही है, इस पे हम इंटरेस्ट जो दे रहे हैं दूसरे मुल्क को उसको जमा कर लें। यही मुल्तान की है, यही लाहौर की मेट्रो है और यही अभी जो ऑरेंज ट्रेन है वो करोड़ों रुपए का नुकसान एक दिन में कर रही है। क्या कोई अदारा है, कोई जुडिशियल सिस्टम है, कोई पार्लियामानी सिस्टम है जो पूछ सके कि इनकी फिजिबिलिटी स्टडी किसने बनाई थी? क्या ये वाहिद तरीका था मैस ट्रांसपोर्टेशन का? क्या ये प्रॉफिटेबल समझा गया था? और जिन्होंने प्रॉफिटेबल समझा था आज वो किधर? अब हमें सबको पता है कि ये चाइना से पैसे लेकर ये बनाए गए हैं। अब अगर डेट ट्रैप में हम अपनी रॉन्ग स्ट्रेटजी की वजह से जा रहे हैं, गलत प्रायोरिटीज की वजह से जा रहे हैं, या इन जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको एग्जीक्यूट करना अगर जाती किकबैक्स और पर्सनल मफाद की वजह से होता है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कहां होगी? क्योंकि इसकी कीमत 22 करोड़ आवाम दे रहे हैं और 22 करोड़ आवाम ही देते रहेंगे। अब अगर इस कर्ज के दलदल में हम घुसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे, तो कब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कब होगी, एजुकेशन कब आएगी, लोगों को रोजगार कब मिलेंगे? तो जब तक ये नहीं होता, आई एम सीइंग कि हम एक सीरियस क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं बहसियत कंट्री और 22 करोड़ अवाम, वी हैव सीन द वर्स्ट ऑफ द वायलेंस। इस मुल्क में इतना ज्यादा वेपन और एमिनिशन पड़ा है कि खुदा ना खास्ता अगर वायलेंस शुरू होती है तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, फिर हमसे कंट्रोल करने का भी कोई तरीका रह नहीं जाएगा। तो जो बाकी अदारों की परफॉर्मेंस है, जो इंटेलिजेंस के हों, पुलिस के हों, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हों, आप उनको भी देख रहे हैं, हाउ लॉन्ग कैन यू पिच देम अगेंस्ट 22 करोड़ पीपल, हाउ कैन दे साइलेंस देम? तो बेहतर तरीका ये होता है कि ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए, उन इश्यूज को डिबेट किया जाए। हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं जुडिशियरी ने आज तक किसी को सजा नहीं दी, वो जो बड़े एविडेंट और वाजे लैंडमार्क्स हैं जिनका सवालों जवाब होना चाहिए था, न जवाब दिया गया, न अदालतों ने वो सवाल पूछे, न पार्लियामेंट ने उन्हें अकाउंटेबल होल्ड करने की जरूरत की क्योंकि पार्लियामेंट में वो लोग खुद ही बैठे हैं, तो फिर हम कहां से इन मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं? दिस इज वेरी ओमिनस एंड दिस इज व्हाट कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट और रिव्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि इस तरीके से इतना बड़ा मुल्क जो इतनी ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है जहां अपॉर्चुनिटीज हिमालय पहाड़ से ऊंची हैं, लेकिन जहां डिसऑर्डर और मिसमैनेजमेंट शायद किसी समंदर से भी ज्यादा गहरी है, तो हमें इन चीजों को बैठकर, मुझे इस पर आज तक कोई सीरियस डिबेट होता नजर नहीं आया, दैट इज द ट्रेजेडी। कई साहब मिसमैनेजमेंट है और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी एज सच नहीं है, और अकाउंटेबिलिटी जो है उसका कहा जाता है कि अकाउंटेबिलिटी होगी, कब होगी हमें नहीं पता। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो जिन चीजों की निशानदेही जन साहब कर रहे हैं सो फिर तो एक इशू बन जाएगा और इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। देखिए जिस तरह जन साहब ने इशारा किया है, अगर इसको रॉट जो है इसको हम नहीं रोकते तो जाहिर है ये फिर मंजर हमने देखे हैं या नहीं देखे, हमने सोवियत यूनियन भी देखा है और भी बड़े हमने मुल्क देख रहे हैं। और लेकिन सवाल ये है कि देखें, मैं ये समझता हूं कि इट्स अ सिस्टेमिक फेलियर,
हमें क्यों नहीं हम ये गुफ्तगू करते जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं कि ये भाई तुमने 80s से जो तुम इकोनॉमिक पैराडाइम जो इकोनॉमिक शिफ्ट की थी तुम लोगों ने, ये जो क्यों नहीं हम इन चीजों को कल में, ये किसने हमें धक्का दिया था कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाएं? क्यों हम तो असद उमर कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे और फिर जाके हमें उनकी उनकी हमारे हाथ पैर बांध के उनके आगे सामने कौन फेंक देता है? एक मुल्क ऐसा नहीं है जो IMF के प्रोग्राम में गया हो और उसको वो जिल्लत की यथा गहराइयों में न गिरा हो, माशी एतबार से या समाजी एतबार से। क्यों नहीं हम इस पे बात करते? हम क्यों नहीं ये बात करते कि भाई ये $1 बिलियन का आपको बुला के कहते जी बड़ी आप हमें बड़ी उन्होंने एक ताज पहना दी है कि आप एक्सपोर्ट कर लें, क्या हम नहीं हाई एंड गुड्स जो है जिनकी हमें जरूरत नहीं है उस पर हम टैरिफ स्लैब नहीं कर सकते? हम नहीं कह सकते भाई हमें नहीं चाहिए कुत्तों की खुराक, हम नहीं बाहर से इंपोर्ट करेंगे और ये अजीब बातें करते हैं। मसला ये है कि देखें हम ये जो एक इकोनॉमिक एनस्लेवमेंट हमारी हुई है इसमें मैं तो एक मुब्तदी हूं। मैं आपको यहाँ डॉक्टर कैसर बंगाली को कोट करता हूँ, अकबर जैदी साहब को कोट करता हूँ, डॉक्टर इकराम हसन को कोट करता हूँ, ये सारे पढ़े लिखे और बड़े जो है वो मजबूत सोच के लोग हैं जिनको मैं, वो सब इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि हम इंटरनली जो अगर टैक्स भी ठीक ले लें तो 11,000 अरब का हम टैक्स ले सकते हैं। क्या बात है? ये जो एक मुर्दा हमने एक 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 मुर्दा FPR की सूरत में रखा हुआ है, किसी एक को भेजते हैं, किसी को नहीं पता कि जब एक रिटायर होता है इनका ब्यूरोक्रेट उसकी जिंदगी उसके पास कितना पैसा होता है ये कोई नहीं जानता। ये सब कुछ ये LDA है लाहौर में, हम मेरे पास मैं और भट्टी साहब बैठे थे और दो अंदर से बंदे आए रोते पीटते कि यार ये क्या अजाब है, कोई उसको चेक करने वाला नहीं है, कोई काम नहीं यहाँ पे होता रिश्वत के बगैर, किसी को इसका बात का पता नहीं है, हर ठेके में हिस्सा है किसी को कोई पता नहीं है। तो बात यह है कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फ्रॉड इन्होंने किया है हमारे कई मुल्कों में तो कर लिया उन्होंने, यहाँ तो सरासर फ्रॉड था कि पहले ब्यूरोक्रेट की 14 लाख तनख्वाह लगा दो, फिर क्या करो कि जो आपका जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है उसको पता ही नहीं है और पैसे रिलीज हो रहे हैं। ये जो पिंडी मेट्रो की बात कर रहे हैं ये कैसे हुआ? ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान साहब का मैं उनको इंटरव्यू कर रहा था, उनका ये क्रिमिनल था, इसमें बंदे अंदर होने चाहिए थे कि भाई पैसे रिलीज कर, रियासती पैसा रिलीज करने का एक तरीका है, उसका पहले प्री ऑडिट होता है फिर पोस्ट ऑडिट होता है फिर अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान पैसे देते हैं। उन्होंने एक MNA को लगाया और उसको एलोजिया से आ गया और मैं मेट्रो बन गई और अब वो देख लें इन्होंने 50 लाख बताया। लाहौर की मेट्रो देख लें ये कुछ साल का 10-15 बिलियन का जो है इस मुल्क के अवाम 92% ऑफ द ट्रांसपोर्ट बजट इस साल सारे का सारा मेट्रो पर खर्च हो गया है। लाहौर का दूर बैठा हुआ दीपालपुर का बंदा इस सफेद हाथी के पैसे दे रहा है और वो विक्ट्री साइन बना रहे हैं और अगला वजीर आजम उनको पिट कर रहे हैं आप। तो ये मैं समझता हूँ ये जनरल साहब ने और आपने ठीक इशारा किया है, इस रॉट को रोकना है अगर आपने तो आपको तो एक सिस्टेमिक चेंज करनी पड़ेगी, मगरब की गुलामी से आपको निकलना पड़ेगा और आपको जो है वो चाइना के साथ अलाइनमेंट करनी पड़ेगी और चाइना की कंपनियां भी बड़ी करप्ट है, उन चाइनी की कंपनीज के साथ जो आपने वायदे किए हैं, जो हाई कोर्ट में आपसे पूछा जाता है कि यार ये क्या सौदा किया है तो कहते हैं ये कौमी राज है, पैसे मेरे खर्च तुम कर रहे हो और हिसाब पूछते हो तो कहते हैं कौमी राज है, घर बैठे तुम्हें जमानत मिल जाती है। जिस तरह कल इतलाज है सर साहब मेरे शो में कह रहे थे कि साहब का जो चीफ जस्टिस थे यहाँ के पंजाब में वो घर बैठे मुजरिम घर बैठा हुआ और वो हो रही है। मैं ये नहीं I am not पॉइंट वन पर्सन, जहाँ हुआ पिंडी की जो रिंग रोड है उसमें भी गंद हुआ, कोई इनमें से हम सिंगल आउट नहीं करते। सिस्टम बदल इसको अगर बचाना है आपने और इसको सीरियस रीथिंकिंग करनी पड़ेगी और ये जो आपकी प्राइवेटाइज आप जो आप फिर कह रहे हैं बाकी सारी बेच लो, 100 आपने प्राइवेटाइज की मियां नवाज शरीफ साहब ने, उनमें से 90% बंद हो गई है, वहां हाउसिंग सोसाइटियां बन गई है, किधर गई वो इंडस्ट्री जो लगनी थी, सारे का सारा पैराडाइम शिफ्ट करनी पड़ेगी और आपको इससे ये एक बड़ा हरकुलियन टास्क होगा, आसान बात नहीं है जिस तरीके से ये लीचेस इस मईशत को जो है निचोड़ रही हैं, मगर नाउ इट्स अ टाइम क्योंकि अब स्लाइड जो है जो जवाल की रफ्तार है पेस देखे, अभी 16 तारीख को हमने 8 से 10 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है। Who will do all these things? मोरल एजेंसीज जो है चाहे वो IMF है चाहे कोई भी है, हम तो उसकी तरफ जाते रहेंगे जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। Who will do all these things? जनरल साहब आपके पास कोई आंसर है इस चीज का? क्या हम इसी तरह एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, हम इसी तरह गिनी पिग्स बनते रहेंगे, हम गिनी पिग्स की तरह काम करते रहेंगे कि जी फ्लास सिस्टम होना चाहिए फ्लास सिस्टम नहीं होना चाहिए, मतलब इसी तरह हम चलते रहेंगे या कोई इसका आउटकम भी निकलेगा कोई रिजल्ट भी निकलेगा
कि हमने दोनों एजेंसी जो है, चाहे वो IMF है चाहे कोई भी है, हम तो उसकी तरफ जाते रहेंगे जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे। ये ट्रेजेडी ये है कि ये सेल्फ इंड्यूस्ड फेलियर है, ये किसी ने बाहर से हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं किया है, ये तर्ज तायुश जो हम जिंदगियों में अपना चुके हैं उसको मीट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और ट्रेजेडी ये है कि गिवन सिस्टम के अंदर जिन लोगों ने इसको दुरुस्त करना है वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, लेकिन ये प्रोविंशियल एंड मरकजी और सेनेटर मिला के तकरीबन 1480 या 1500 पार्लियामेंटेरियंस जो बनते हैं, ये खुद इसके सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं। इनकी गाड़ियां और लग्जरी की इंपोर्ट देखें, इनके हाउसेस देखें, इनकी डे टू डे लाइफ देखें, इनके गार्ड पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देखें, तो आपको लगेगा कि क्यों ये लोग बैठकर क्यों इसको निजाम को दुरुस्त करेंगे जिसके बेनिफिशरी वो खुद हैं। अब इस पे एक नेशनल डिबेट होना चाहिए। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये हल है या मेरे पास इसका हल मौजूद है, लेकिन मुल्क की मुईशत को संवारने के लिए क्या कोई आज तक नेशनल डिबेट हुआ है जिसमें फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री आप जो मुईशत के एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला लें और सीरियसली बैठ के रिव्यू तो करें कि इंपोर्ट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, टैक्स पॉलिसी क्या होनी चाहिए, टैक्स कलेक्शन की बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। और मौजूदा हुकूमत तो पहले ने जो किया, इसहाक डार साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जो उससे पहले बुलाए थे वो मुल्क से बाहर वापस चले गए हैं, जो इस हुकूमत ने 3-4 लगाए उनको भी आप देख लें कि उनका माजी क्या है या उनके ऊपर क्या है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक मुईशत के ऊपर और एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के ऊपर एक नेशनल डिबेट होना चाहिए और उसके बाद वी शुड मूव फॉरवर्ड। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम, बट व्हाट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, हम किस तरह की डेमोक्रेसी के मुतहम्मिल हो सकते हैं और किस तरह की नहीं हो सकती। वेस्टर्न डेमोक्रेसी कोई डिवाइन सिस्टम नहीं है, लेकिन वो उनके मुआशरे में वहां पे सूट करता है, जहां एक MNA अगर एक TADA का बिल गलत पास करवा ले तो उसको छोड़ना पड़ता है एम्बेसी। यहां बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए जाते हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब आप देखें, आप अयान अली को इस मुल्क का जुडिशियल सिस्टम वापस नहीं बुला सकता, प्रेसिडेंट मुशर्रफ को नहीं बुलवा सकता, इसहाक डार और नवाज शरीफ को वापस नहीं बुलवा सकता, उनके बच्चों को वापस नहीं बुलवा सकता, जिन प्रॉपर्टीज के उनके ऊपर केसेस हैं उन प्रॉपर्टीज के बारे में आज तक वो 3 सवालों के जवाब नहीं दे सकते। तो अगर बता ही नहीं सकते कि ये पैसा मुल्क से बाहर कब गया, किस जरिए से गया और ये प्रॉपर्टीज कब खरीदी गई और किसकी ये मलकियत है, अगर इसी को डिबेट बना देना है तो फिर ये लोग तो अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे नहीं। आर्मी को हमने देख लिया जो दोनों दफा मार्शल्ला हमारी याद में लगे हैं, इंतहाई नाकाम और कॉम्प्रोमाइज थे, उन्होंने इसी एलीट के साथ कॉम्प्रोमाइज करके 10-10 साल हुकूमत की और अवाम वहां के वहां ही रहे, विच इज अ ट्रेजेडी ऑफ हिमालयन मैग्नीट्यूड। तो नेशन मस्ट बी ब्रॉट आउट ऑफ दिस, वरना लोग गुर्बत के हाथों बहुत तंग हो रहे हैं और अगर जिंदगी अजीरन हो जाएगी तो फिर ये हाथ गले तक ना आ जाएं, इस काम को रोकना पड़ेगा भाई साहब। ये गुर्बत को रोकना पड़ेगा कि ये ना हो कि ये हाथ जो है गले तक आ जाए, जनरल साहब कह रहे हैं, इससे इत्तेफाक करते हैं आप? इत्तेफाक करते हुए थोड़ा सा इजाफा इसमें कर दूं, यानी की बात को आगे बढ़ा दूं, ये डेटोक्रेसी है, ये क्लेप्टोक्रेसी है। देखिए मेरी बात सुने, जो जो मैं किसी की इंटेग्रिटी पे सवाल नहीं उठा रहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मगर सवाल ये है कि मैं इस मुल्क का वजीर खजाना हूं और साथ जाति कारोबार भी कर रहा हूं, मैं किस चीज को ज्यादा तरजीह दूंगा? सवाल ये है कि दो पैरेलल मेजते बन गई हैं और जो पॉलिटिक्स है वो इन मैल प्रैक्टिसेस को बचाने का एक जरिया बन के रह गई है, जो इंसानों की किस्मत, तो मैं पहले भी कहता होता हूं ये पैगंबरों का पेशा है, तकदीरें बदलने का पेशा है, कौमों की तारीख का रुख बदलने का वाला पेशा है, वो मुकद्दस है, मगर वो कहते हैं ना कि मौलवी खराब नहीं है, जराइम पेशा लोगों ने दाढ़ियां रख ली है। बात यह है
कि यहां पर आप देखें, मैं पहले भी सवाल उठा चुका हूं, कभी इनकी जाती मैशत को जवाल आया? और बिल गेट इनसे आके सबक ले, इनके ग्रोथ रेट अगर निकालो पिछले, इनकी जाती ग्रोथ रेट अगर निकालो तो ये 25-30% से निकलेगा जाप है, और जिस हमारी मैशत को चलाया वो 3-4-5% पे खजल हो रही होती है, और वो भी वेलफेयर में ट्रांसलेट नहीं होता। मैं आज आपको बता दूं, इस निजाम का ग्रोथ रेट हैज नथिंग टू डू, भले गिर जाए भले ऊपर जाए, गरीब आदमी की जेब में कुछ नहीं आता। सवाल ये है, जिन लोग ये मुख्तलिफ मैशत पर काबिज धड़ों के नुमाइंदे हैं, जिन्हें आप जो है अंग्रेजी में कार्टल कह लेते हैं, जो अपने 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 खाने पीने की जो एक दुकान और दो नंबर गुनाह की हट्टी है, उसके बचाव का एक का मकसद बन चुका है। अब आप मुझे बताएं, एक अमेरिका, मैं बड़ी लंबी बात नहीं करता, शी जिनपिंग का जाती कारोबार है, चले उसके सौ क्या लेटम कहते हैं, वेस्ट वाले कुछ भी कहते हैं, वापस सरमायादार भी हैं, कुछ 300 अरब पति जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, जो उन्होंने जिससे आप वो पीछे हट रहे हैं। बात यह है कि यहाँ पे असल प्रॉब्लम क्या है कि टू गेट रिच एक सबसे जो आला तरीन जीना बन गया, एक दफा इक्तदार के आवाज से बाहर आते हैं, गाड़ियों की कतार हम नहीं गिन सकते, कोठियों के नंबर नहीं गिन सकते। मैं आपका आपका मतलब समझ गया, आपने बड़ा क्लैरिटी के साथ बात कर दी, और जन साहब आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर दी। मैं इसी टॉपिक पे इसलिए जाना चाहता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट द कंट्री, लेट्स टॉक अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, सो इसलिए मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा था। और मैं चाहता ये था कि एक तो आपने बड़ा अच्छा सजेशन दिया जन साहब की नेशनल डिबेट होनी चाहिए और इसका कोई हल निकलना चाहिए, और किस किस्म की डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन किस किस्म की डेमोक्रेसी होनी चाहिए उस पर आप कह रहे हैं जनाब एक डिबेट हो जाए तो बहुत अच्छा है। एज फार एज द इकॉनमी इज कंसर्न, इकॉनमी के अंदर भी पॉलिसीज ले डाउन करनी चाहिए, ले डाउन करके उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, फिर जाके कोई ना कोई हल निकलेगा। और अगर इसी तरह चलता रहा काम तो बात बिल्कुल ठीक है काई साहब की, हम दो दो चार चार 5-5 मिलियन के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, हमारे हुक्मरान भागते रहते हैं बेचारे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक यू नो मेकिंग मनी, सम पॉलिटिशियंस, सम नॉट ऑल ऑफ देम, सम पॉलिटिशियंस हैव गॉट टन्स एंड टन्स ऑफ मनी। फिलहाल राणा मुबशिर को जाए दीजिए, अल्लाह हाफिज़।